सुना है कहीं आतंकवादी आए हैं। सागर के मोतीनगर थाना क्षेत्र में चार आतंकियों के छिपे होने की सूचना से पूरे इलाके में हड़कंप मच गया। खबर थी कि सागर के मोतीनगर थाना क्षेत्र में चार आतंकियों को देखा गया है, जिसकी सूचना पर पुलिस प्रशासन में हड़कंप मच गया। देखते ही देखते पूरा इलाका छावनी में बदल गया, साथ ही होटल के आसपास बड़ी तादाद में भीड़ इकट्ठा होने लगी। देख रहे हैं हम, दो घंटे हो गए सर। क्या कारण है? सुना है कहीं आतंकवादी आए हैं, वही तो पता नहीं चला था क्या है। तो कितनी पुलिस वाली यहाँ? पुलिस 150 पुलिस थे। वही सूचना के बाद पुलिस की टीम डॉग स्क्वाड के साथ होटल पहुँची, फिर जाँच पड़ताल शुरू हुई। हालांकि पुलिस अधिकारियों ने जाँच के बाद सूचना को सिरे नकार दिया है और मामले को सिर्फ एक अफवाह बताया है। एसपी अमित सांघी के अनुसार होटल में चार इनारी मूल नागरिक रुके हुए हैं, जिनसे पूछताछ पर पता चला है कि वह टूरिस्ट वीजा पर भारत घूमने आए हैं। ये एक सूचना मिली थी कि ये कुछ यहाँ पे विदेशी रुके हुए हैं और होटल से ही मूलतः सूचना आई थी। इस पे वेरिफिकेशन के लिए यहाँ पर टीम आई और अभी जो प्राथमिक जानकारी पूरे वेरिफिकेशन के साथ आई है तो वो ये है कि ये टूरिस्ट थे और मूलतः ईरान के हैं और ये एक कार रेंट करके घूम रहे थे। तो इनके पासपोर्ट्स वगैरह अभी सही पाए गए हैं और फिलहाल ऐसी कोई संदिग्ध बात नहीं। पुलिस ने मामले को गंभीरता से लेते हुए चारों ईरानी युवकों से पूछताछ भी की। पूछताछ और तलाशी के दौरान चारों के पास से दिल्ली पासिंग टैक्सी भी मिली। साथ ही पुलिस ने चारों युवकों की आईडी कार्ड, पासपोर्ट सहित दस्तावेजों को भी चेक किया, जिसके बाद पुलिस ने चारों युवकों को क्लीन चिट दे दी। हालांकि पुलिस इससे पहले वे कहां कहां रुके और किस किस से मुलाकात हुई जैसे कई बिंदुओं पर जांच कर रही है। ये टूरिस्ट हैं, टूरिस्ट वीसा पे आए हुए हैं और भारत में ही जगह जगह ये घूम रहे हैं और फिर ये जहां जहां रुके हैं अभी हम उसका भी वेरिफिकेशन करेंगे। कितने लोग हैं? ये चार लोग। वहीं पुलिस के मुताबिक संदिग्ध लोगों की सूचना मिलने पर पुलिस ने स्वतंत्रता दिवस और वर्तमान हालातों को मद्देनजर सतर्कता बरतते हुए काफी सैलानियों और पर्यटकों की जांच पड़ताल की। फिलहाल पुलिस ने होटल में रुके आतंकियों की खबर को एक अफवाह बताया है। लोकल न्यूज के लिए विकास यादव की रिपोर्ट।